हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल सनलेस। और आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ वो मैं वाटर साइन के लिए लेके आई हूँ फॉर दिस मंथ जून 2021। जो जून मंथ है वो हमारे जो वाटर साइन है विच मीन्स कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, उनके लिए कैसे रहने वाला है। सो लेट्स चेक थ्रू टैरो कार्ड्स एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। तो सबसे पहले हम कैंसर के लिए रीडिंग देखेंगे फॉर देयर कैरियर एंड आफ्टर दैट वी विल टेक सम कार्ड्स फॉर देयर रिलेशनशिप। तो आप इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, लूनर साइन किसी भी साइन से देख सकते हैं इफ यू आर कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। एक जनरल रीडिंग है तो आप जनरल तरीके से ही देखिए। ओके, कार्ड अपने आप आया था, एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। Okay, the next card that we are having is Three of Pentacles, the Tower, Two of Pentacles, the Hermit, Ten of Pentacles, and the Strength. And the last we will take is Four of Swords. सो एक बहुत ही द वेरी फर्स्ट जो अट्रैक्टिव कार्ड मुझे रीडिंग के लिए फील हो रहा है दैट टावर। एक चेंज आने वाला है लाइक इन योर कैरियर। कैंसर एक चेंज आने वाला है, चेंज को बता रहा है कार्ड कि चेंज आने वाला है। मे बी जो कार्ड है वो एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा बिकॉज यू आर हैविंग द कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज को बता रहा है, लाइक एक हैंड है, लाइक एक मे बी गॉड का सपोर्ट है इस मंथ में आपके लिए। स्ट्रेंथ का भी कार्ड है हमारे पास में है एंड द हर्मिट। ये जो मंथ है एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज लेके आ रहा है आपके कैरियर में बिकॉज मैं पास में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने जो भी कैंसर है, जो भी सीडिंग को देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क किया है। बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग पर्सन है जिसकी भी एनर्जी है ये, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस हार्डवर्क किया है। और एक अनसेटिस्फैक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है, शायद वो जो मेहनत कर करके एक बहुत ही ज़्यादा एक मेहनती पर्सन की, किसी हार्डवर्किंग पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। इसलिए मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है जो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ को डिराइव कर रहा है, स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो मंथ है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेके आया है, किसी बड़े का सपोर्ट लेके आया है। मे बी आपके जो एल्डर हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैरियर इन दिस मंथ। मे बी हो सकता है आपको कोई इनसे एडवाइस लेनी हो पड़ जाए इस मंथ, हो सकता है वो आपके कैरियर से रिलेटेड। मे बी अगर आप कोई भी, मे बी इस मंथ में हो सकता है आपके जो एल्डर्स हैं, आपके जो मे बी पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, वो आपको सपोर्ट करें, कुछ डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं आपके कैरियर के लिए। मे बी हो सकता है आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो या कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप इस मंथ में अगर आप सोच रहे हैं तो एक नाइट ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है विच इज़ रिफ्लेक्टिंग ए गुड मंथ है कोई भी न्यू बिगनिंग करने के लिए। नाउ लेट्स सी दिस कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप। तब फॉर द सेम हमारे पास में द टावर का कार्ड आ रहा है विच इज़ रिफ्लेक्टिंग एक चेंज आने वाला है एंड द कार्ड टेन ऑफ पेंटिकल्स एक ब्यूटीफुल एनर्जी बता रहा है फॉर योर रिलेशनशिप। एक बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एनर्जी आ रही है बाय योर पार्टनर साइड से, आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एनर्जी आ रही है। अगर आप इस वक्त थोड़े से मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं एंड इन द कार्ड, इन द एनर्जी ऑफ कार्ड टू ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि किसी चीज़ को मुझे बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी अपने कैरियर और रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो इसकी बिल्कुल मुझे इस मंथ में नीड नहीं दिखाई दे रही बिकॉज दिस मंथ इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल एंड फ्रूटफुल चेंजेस इन योर लाइफ। एक अच्छा चेंज लेके आने वाले है जो मंथ है अपकमिंग मंथ जून, बहुत ही फ्रूटफुल चेंज लेके आने वाला है मंथ। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर कैंसर, आई होप दैट दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू। नाउ इट्स टाइम फॉर स्कॉर्पियो। नाउ इट्स दिस आर द कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। हम स्कॉर्पियो के लिए देखेंगे कि उनका कैरियर रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है। तो फर्स्ट वी विल टेक सम कार्ड्स फॉर देयर कैरियर। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। सो द कार्ड्स दैट वी आर हैविंग इज फोर ऑफ सोर्ड्स, द टावर, टेन ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Pentacles, Three of Pentacles,
स्ट्रेंथ द हर्मिट टू ऑफ पेंटिकल्स सेवन ऑफ सोर्ड्स सेवन ऑफ वैंड्स एंड द सेवन ऑफ कप्स. सो इन दिस मंथ आई कैन सी कि आपके पास में अगर आप इसे कैरेट के अकॉर्डिंग सीटिंग को देख रहे हो तो आपके पास बहुत सारी मुझे न्यू ऑफर्स आते हुए में भी दिखाई दे रहे हैं. फॉर योर कैरियर में भी आपके इस मंथ में आपको बहुत सारे न्यू जॉब इंटरव्यूज मिल सकते हैं. मे बी हो सकता है इस मंथ में आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डिसाइड कर रहे हो यहाँ पे बिकॉज वी आर हैविंग द कार्ड द सेवन ऑफ कप्स. यानी कि आपके पास इस मंथ में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली है और उन अपॉर्चुनिटीज पे आपको जो भी वर्क करना है आपको वर्क करना है. बट यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत सारे कप्स लाइक इस पर्सन के पास है उसमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है बट जो बेस्ट है सूटेबल है उसके लिए उसे वो वाली जो अपॉर्चुनिटी है जो सेफ है उसके लिए उसे वो वाली अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करना है. बिकॉज हेयर वी कैन सी द कार्ड स्ट्रेंथ एज ऑफ पेंटिकल्स द हर्मिट. ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है विच मीन्स किसी बड़े का मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है एंड द एज ऑफ पेंटिकल्स लाइक गॉड का सपोर्ट है इस मंथ में. आपको गॉड आपको सपोर्ट कर सकते हैं फॉर कैरियर अगर आपने पास में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया तो एक स्ट्रेंथ मुझे इस मंथ में आपके कैरियर को मिलती हुई दिखाई दे रही है. सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर योर कैरियर. नाउ अगर आप इस इन कार्ड्स को आपके रिलेशनशिप के लिए देखते हैं सो वेरी फर्स्ट फीलिंग जो मुझे मिल रही है वो मे बी शायद आपकी भी हो सकती है आपके पर्सन की भी हो सकती है. दिस रीडिंग कैन क्रॉस वॉचेज ऑल्सो लाइक सर्विंग लाइक फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है. एक पर्सन है जो किसी को मिस कर रहा है एक टेंस पोजिशन में है डिप्रेस्ड पोजिशन में है परेशान हो रहा है मे बी किसी चीज़ को मिस कर रहा है अपने पास्ट को मिस कर रहा है. बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं उसने अपने रिलेशनशिप में ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है. दिस एनर्जी कैन बी क्रॉस वॉचेज ऑल्सो. बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने अभी भी स्टिल एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है मे बी अपने कैरियर एंड रिलेशनशिप के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है बहुत ही ज़्यादा. बट फिर भी मुझे इस पर्सन की जो फीलिंग आ रही है वो अलोन आ रही है एक वेटिंग पोजिशन आ रही है. मे बी जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इस पर्सन की जो एनर्जी है मुझे कन्फ्यूज एनर्जी दिखाई दे रही है. मे बी कोई डिसीजन लेना चाहता है अपने रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में कोई स्टेप लेना चाहता है अपने पार्टनर के लिए पर उस वक्त मुझे बहुत कन्फ्यूज पोजिशन में डिसाइड दिखाई दे रहा है. सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू स्कॉर्पियो. नाउ इट्स टर्न फॉर पाइसेस. नाउ पाइसेस के लिए देखेंगे कि पाइसेस के लिए जो मंथ है फॉर देयर कैरियर कैसा रहने वाला है कैरियर एंड रिलेशनशिप. सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन. द व्हील ऑफ फॉर्चून एक गुड टाइम आ रहा है इस मंथ में एक गुड टाइम को लेके आ रहा है जो मंथ है आपके लिए पाइसेस. एक वेरी ब्यूटीफुल टाइम को लेके आ रहा है फॉर योर कैरियर एज वेल एज फॉर योर रिलेशनशिप आई कैन सी. सो द कार्ड इज द हाई प्रेस्टेस एज ऑफ कप्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड द डेविल Ten of Swords, Eight of Swords, Temperance, Four of Swords. We will take some more cards. Two of Cups and the Seven of Swords. So, अगर मैं इस मंथ को आपके कैरियर के लिए देखती हूँ तो मे बी आपको इस मंथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं. मे बी बहुत सारे जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर टू गेट अ न्यू गुड जॉब. अगर आप कुछ टाइम से परेशान से मुझे एक आपकी जो पोजिशन है वो एक वेटिंग पोजिशन दिखाई दे रही है फॉर योर कैरियर एज वेल. एक मे बी आप एक अनसेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है आपके कैरियर को लेकर आपके जो माइंड है उसमें आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है बट स्टिल आप जो भी डिजर्व करते हो अभी तक आपको वो नहीं मिला है. यू आर वेटिंग फॉर दैट गुड टाइम. आप उस गुड टाइम का मुझे वेट करते हुए दिखाई दे रहे जब एक गुड टाइम आएगा आपके कैरियर में और स्ट्रेंथ आएगी एक स्टेबिलिटी आएगी और सपोर्ट आएगा. सो उसके लिए मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है विच इज़ रिफ्लेक्टिंग एक गुड टाइम आने वाला है एक हैप्पी टाइम्स आने वाला है. टेम्परेंस एज वेल एंड द हाई प्रेस्टेस एज ऑफ कप्स बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है आपके कैरियर के लिए.
जो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि देर इज नथिंग टू बी वरीड। अब एक बहुत गुड टाइम आने वाला है, बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है आपके कैरियर के लोग के। यू जस्ट नीड टू डू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड हार्डवर्क। बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करने की और एफर्ट्स पुट करने की नीड है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आई कैन सी कि आपके जो कैरियर है उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, सक्सेस मिल सकती है इन दिस मंथ में, आई कैन सी। नाउ इफ वी लुक दिस कार्ड फॉर रिलेशनशिप, तो मुझे इसमें एक डेविल की एनर्जी दिखाई दे रही है विच इज रिफ्लेक्टिंग एक अनसेटिस्फैक्शन है मे बी आपके रिलेशनशिप में। इट मे हैपन सम केसेस आपके जो पर्सन है वो मूव ऑन हो गए हो, मिसगाइड हो सकते हैं, एक फीलिंग ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है मुझे यहाँ पे कि आपके जो पर्सन है या फिर आप मे बी इट हैपन एट दिस रीडिंग इज क्रॉस वॉचेस, ये जो रीडिंग है क्रॉस वॉचेस भी हो सकती है। जो पर्सन की फीलिंग आ रही है तो मुझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग में भी हो सकती है, कोई आर्ग्यूमेंट रिफ्लेक्ट हो रही है पास्ट में। आपके जो कार्ड्स हैं फॉर द रिलेशनशिप ऐसी सी वाइब्स आ रही हैं। सो स्टिल आपके जो पर्सन है वो अपने पास्ट की मेमोरीज के बारे में मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, पास्ट को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मे हैपन वो इस मंथ में आपको जो है अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं अगर वो मूव ऑन हो गए इन सम केसेस, नॉट इन ईच केसेस। तो इट मे हैपन कि आप कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है वो अपनी जो रिलेशनशिप है जो इतना बेटर नहीं रहा है एज़ कम्पेयर टू पास्ट, उसको बेटर बनाने के लिए कुछ प्रोसीड कर सकते हैं, कुछ डिसीजन लेने के लिए मुझे वो दिखाई दे रहे हैं रेडी अपने रिलेशनशिप के लिए। सो दिस वॉज द कार्ड्स फॉर योर रिलेशनशिप पाइसेस। आई होप दैट दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू। टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर दिस चैनल एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट कितनी रेजोनेट हुई। टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।